गुड मॉर्निंग। सो फिर से मैं क्विकली आपको एक वीडियो बना के क्लैरिटी दे दूं, तो क्या होता है ये राजस्थान की होम पेज पे ना रोज ही आता है रात को, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और मैं स्पेशली दिखाना चाहता था उन्हीं को जो नॉन राजस्थानी पहुंचेंगे 18 तारीख को, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है ना। तो एक ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये एक मैंने कल एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को तो बता दिया था, तो एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इस चीज़ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो चेकलिस्ट है ये आप ले लीजिए, भर लीजिएगा, लेकिन इसमें आपको ये डीडी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली राउंड वन वाला इन्होंने डाल दिया, तो आपके को 3 दिन का समय मिलेगा पेमेंट करने का, 2 दिन का। तो 18 तारीख को सीट अलोकेट करा के, ऐसा नहीं है कि आपको हाथ की हाथ उसी समय डीडी लेके जाना है, जैसा कि कई जगह ऑफलाइन में होता है या लास्ट ईयर तक कर्नाटका में होता था, जो फिलहाल नहीं हो रहा इस साल, तो कर्नाटका ऑनलाइन हो गया, करेक्ट। तो एक इस पर इसको देख के घबराइए मत, इसको देख के लोग टेंशन ले रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि सर इतनी सीटें खाली हैं, क्यों खाली हैं, और हमें तो फिर तो डिस्काउंट अभी तक राजस्थान ने देना क्यों नहीं शुरू करा, इसको देख के। और देखिए, हम वही कहते हैं कि राजस्थान में तो देखिए सरकारी तो मोटा मोटी सारी भरने लग गई है, ठीक है ना। जो आपको एक का नज़र आ रहा है वो ST का नज़र आ रहा है, और उसकी वजह भी ये है, ये शेड्यूल। और यही शेड्यूल आप समझेंगे जो मैं कल आपको मैंने कैटेगरी कन्वर्जेशन का भी एक वीडियो बना के दिया था। तो जो भी ऑफलाइन होता है और यही ऑनलाइन में हो रहा होता है राउंड 3 में, जो कंप्यूटर्स काम कर रहे होंगे आपके लिए, कि देखिए इन्होंने पहले 2 दिन तो बुला लिए, पहले दिन बुलाया मेरिट से, कल से स्टार्ट हो गया जिसे कहते हैं जब शेड्यूल कास्ट लास्ट तक बुला लिए गए, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट लास्ट बुला लिए गए, और आज है जब शेड्यूल ट्राइब्स ST A ST B सब बुला लिए जाएंगे 15 तारीख। तो ये देखिए, इसलिए आप देखोगे यहाँ सब खाली हो चुका है सरकारी, यहाँ तक SC तक, और ST क्यों बचा हुआ है, तो ये जो ST की रिजर्व सीट है जो लो रैंक पे मिल जाएगी, ST A हो, ST B हो, ST बॉयज, ST गर्ल, फिर आपको पता है यहाँ पर एक SA का कैटेगरी कन्वर्जेशन भी होता है, और आई एम श्योर ये SA भी आ रहा है, देर ST A, ये सबको आज बुलाया गया, तो ये सब निपट जाएंगी। तो आज शाम तक मान के चलिए सारी सरकारी निपट जाएंगी, पहली बात। सिमिलरली जो आपको तब से गोलियां दे रहा होगा, जी मैं आपको सेमी गवर्नमेंट दिलाऊंगा राजस्थान में, सेमी गवर्नमेंट ये होती हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स, कोई शक की बात नहीं है इसमें, क्योंकि इनकी फीस भी देखिए 10 लाख रुपए साल की होती है। तो ये थोड़े से फिर भी ये हैं कि यहाँ तक हम देखें, यहाँ तक आएगा, ठीक है ना, ये जो 10 लाख रुपए साल की फीस के कॉलेज होते हैं ये यहाँ तक हुआ, तो 14 15 14 15 16 बची हुई हैं। अगेन मेरी गट फील है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी तो जो जनरल कैटेगरी वाले थे ऊपर वाले, तो ये वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, तो ये दिन होगा सबसे काम का। आज जैसा मैंने कहा वो ST ST ये खाली होना शुरू हो जाएगा आज, इवन मैनेजमेंट सीट में भी ये दो चार जो बची हुई हैं। और ये जो सारी सीटें हैं UR बॉयज़ वाली, ये बेसिकली बच्चे थे जो वेट कर रहे थे कि शायद हमें ऑल इंडिया से मिल जाए, कुछ मिल जाए, ऑल इंडिया का राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है, पहले ट्राई कर रहे होंगे, और अब ये जाके ले लेंगे कब, कल और परसों में। तो कल मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मैक्सिमम कल शाम तक या सैटरडे तक आपका ये भी सारा खाली हो जाएगा, ये वाला एरिया यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद चाहे राजस्थानी बच्चे भी लेना शुरू करते हैं प्राइवेट कॉलेजों की जनरल सीटें, एंड ऑफ कोर्स जो एक स्टार है MGM, मैंने कहा जो 18 सीटों वाला, ये भरनी शुरू होंगी। और 3 सीटें आज सुबह खाली हैं, जो आई एम श्योर 15 लाख वाली 3 सीटें तो आज आज भर जाएंगी। देखिए ये 14 दिन तक भी क्यों खाली है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो नॉर्मल स्टेट मेरिट था विदाउट कैटेगरी, वो 3,300 तक बुलाया गया। इस बात को समझिए, 3,300, एक और आपको इंडस्ट्री चीज दिखाता हूँ ना। अब 3,300 तक जो स्टेट मेरिट के लोग थे उनका ना आप नंबर देखते हैं कि उनके नीट स्कोर कितने हैं, राइट। तो माइंड स्टेट मेरिट है ना, 3,000 तक देखते हैं, आपको ना थोड़ा आइडिया लगेगा, जो मेरा हमेशा फंस रहता है कि आप फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़ के अपने पैसे ना खराब करें, और मेन बात है साल खराब ना करें, क्योंकि वो आपको लास्ट तक लटका के रखते हैं कि राजस्थान में खासकर आपको सेमी गवर्नमेंट सीट दिला देंगे। तो ये जो 3,300 थे जो 13 तारीख तक निपट गए हैं, इनका अगर आप ऑल इंडिया रैंक देखेंगे नीट में, सो दे आर प्रिटी हाई, राइट। 3,300
3,300 स्टेट मेरिट रैंक यहाँ थे, जो 24,000 मतलब 22,000 से ऊपर थे रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है ना, 3,300 में ऑल इंडिया रैंक 24,000 से ऊपर। और हम जानते हैं 24,000 से ऊपर ऑल इंडिया रैंक का मतलब क्या है, कि मोटा मोटी आपके पास सरकारी सीट तो थी ना इंडिया में किसी कोने में, तो ये सब लोग वहां पर चले गए थे, इसलिए अभी तक खाली है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 3 सीटें एमजीएम की भी खाली हैं आज, क्योंकि अभी तक जो बुलाया गया था वो बुलाया गया था 3,300 स्टेट मेरिट तक, और 3,300 स्टेट मेरिट का मतलब क्या है अगर आप और बिल्कुल परफेक्टली देखेंगे, सो 3,300 के स्टेट मेरिट में बहुत ऊपर है, ये देखिए 23,000 ऑल इंडिया रैंक, और 23,000 ऑल इंडिया रैंक का मतलब आप समझिए कि आप 600 के ऊपर हैं, तो आपको मतलब इस समय आप ऑल इंडिया कोटा सरकारी ट्राई मार रहे हैं। अभी तक ये बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई 15 लाख भी एमजीएम के देने से अच्छा है कि हम अपना सेमी गवर्नमेंट ट्राई मारेंगे। तो अब कल का दिन हम जानते हैं खाली कैटेगरीज के लिए था, आज का दिन भी खाली कैटेगरीज के लिए, लेट मी टेल यू करेक्ट मोस्टली। और 3,300 से 4,000 को बुला लिया जाएगा स्टेट मेरिट, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आना शुरू होगा थोड़ा सा ही, लेकिन जब ये लोग कल आएंगे, जो कल का दिन होगा 16, जिसमें स्टेट मेरिट 8,500 तक गिर जाएगी, तो आप मान के चलिए 16 तारीख को एमजीएम की ये 3 सीटें ये सब फुल हो जाएंगी, और जब ये फुल हो जाएंगी तो फिर एमजीएम की इवन जो यहाँ भी 11 सीटें बची हुई हैं ये भी निपटनी शुरू हो जाएंगी। तो जो भी चक्कर में बैठा हुआ, जिसको भी किसी एजेंट ने बोला है कि एमजीएम दिला दूंगा, जो राजस्थान का नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, आप देख लीजिएगा खुद ही, आपको 18 तारीख तक वेट करनी जरूरत है, 16 की रात को ही 16 की रात को ख़त्म हो जाएगा, और 17 तक भी चलेगा राजस्थान, हम लोग आते हैं 18 को, तो 16 की रात से भी ज़्यादा देखिए 17 की रात को देख के, जो लोग जयपुर के आसपास रहते हैं या नाइट फ्लाइट से आ रहे हैं, तो आप एक बार जो देख सकते हैं कि आपको 18 तारीख को राजस्थान पहुंचना है, अभी कभी नहीं पहुंचना है, पता चले कि सीटें ही ख़त्म हो चुकी हैं, राइट 17 तारीख तक। तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं कि 18 तारीख को आप जयपुर आए ना आए, जो दूर से आ रहे चलो उनकी टिकट तो पहले होगी, बट आप समझ गए क्योंकि ठीक है जयपुर आपको सुबह 10 बजे तक पहुँचना होता है, वैसे स्लॉटेड रिपोर्ट टाइम 8 बजे का होता है, तो फिर भी देखिए शाम को डाल देते हैं 6-7 बजे तक, तो अगर आपको लगे तभी आप नाइट की फ्लाइट लेकर आइए, जो फ्लाइट से आ रहे हैं कि 18 तारीख को, 18 तारीख को 17 तारीख की रात को एक्चुअली पता चलेगा कि कितनी स्टेट कोटा की सीटें, कितनी मैनेजमेंट कोटा की सीटें बची हुई हैं, बट मेरी गट फील आपको मैं प्रेडिक्शन करके बता दूं कि 16 की रात तक आते आते ये सब सरकारी सेमी गवर्नमेंट सीटें राजस्थान के बच्चे ले चुके होंगे, और जनरल सीटें भी मोस्टली ख़त्म हो चुकी होंगी सब कॉलेजेस की, थोड़े बहुत देखिए डेफिनेटली बच सकती हैं क्योंकि ओवर सप्लाई है सीट्स की, तो ये सब सीटें क्योंकि अब कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी नॉर्मल बच्चों के लिए, पर फिर भी फीस ज़्यादा है, तो कई राजस्थान के बच्चे हैं जो शायद बाहर सीट ले चुके होंगे, लेकिन हाँ सरकारी सेमी सरकारी के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली बताता है, शेड्यूल आपको बताता है किस तरह से कन्वर्जन होती है, और यही कन्वर्जन ऑनलाइन चल रही है। हरियाणा का रिजल्ट आज आने वाला 10:30 बजे, यूपी की चॉइस फिलिंग 5:30 बजे तक है, और तो हरियाणा को देखकर हमने कई लोगों को बोला जिनकी फर्स्ट चॉइस हरियाणा है कि आप हरियाणा का रिजल्ट देख लीजिए फिर आप यूपी की चॉइस फिलिंग कीजिए, और 18 दोनों में खाली रह जाए तो फिर राजस्थान चलिए 18 तारीख को, और 18 को ही उत्तराखंड का भी रिजल्ट आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट, कि इसमें जिसको 18 को सीट मिलेगी भी ना, उसके पास 20 तारीख का समय तक का समय होगा फीस जमा कराने का। तो जो लोग 4 का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, या मैं कहूँगा 5 का भरा हुआ है, हिमाचल राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा राजस्थान, आप 5 लोगों को किसी को भी सीट लेने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि तो कर्नाटका भी जैसे खुल गया, मोस्टली मैं नॉर्थ की बात करूँ तो पंजाब का रिजल्ट भी थोड़ा एक दिन लेट आ रहा है, वो 20 तारीख को आ रहा है, बट इसके अलावा जिन्होंने बाकी सारे स्टेट्स भरे हैं ना, तो आपके पास समय होगा डिसाइड करने का कि आपको फाइनल सीट कहाँ लेनी है। और इसी से आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि क्यों स्ट्रे में सीट्स आती हैं, तो स्ट्रे में कोई अपने आप सीट नहीं आती है, हमारे भी कई क्लाइंट्स हैं जैसे कम नंबर वाले थे अभी तक, तो हम हमेशा डिपॉजिट बचाने की कोशिश करते हैं, पर किसी ने 3 किसी ने 4 जगह भी भरा है, यूपी भी हरियाणा भी हिमाचल भी उत्तराखंड भी, और राजस्थान भी सोच रहे 18 तारीख को चले जाएं, अगर हरियाणा में सीट आ गई तो नहीं जाएंगे, या यूपी का भी रिजल्ट 17 को आना है तो वो नहीं जाएंगे, बट कुछ ऐसे भी मैंने कहा ना देर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग 5 और डाल दें 4 डाल दें,
अब किसी को चारों सीट मिल जाएगी, ज्वाइन तो एक ही करेगा ना, तो वो 3 सीटें जो खाली रह जाएंगी अलग स्टेट्स में, वही 3 सीटें अगले राउंड में आपको स्ट्रे में नजर आएंगी। तो जिस तरह से समय टाइमिंग चल रही है, डेफिनेटली स्ट्रे में भी सीट्स आएंगी, फ़र्क ये होता है कौन सी वाली आएंगी। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप भी तो यही चाहते हैं ना कि फर्स्ट चॉइस है कि उत्तराखंड का जॉली ग्रांट या गुरु राम राय मिल जाए, वो नहीं मिलेगा तो TMU या UP में तो लिमिटेड सीटें हैं 200, या आप आदेश SAT पकड़ना चाहेंगे, नहीं तो आप राजस्थान का अमेरिकन अनंता वगैरह पढ़ना चाहेंगे। तो स्ट्रे में ज़्यादा उम्मीदें वही होती हैं कि आपको पैसिफिक की दोनों ब्रांचें, या SS-3rd, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, या मैं बात करूं हरियाणा की, तो NC, झज्जर, इस तरह के कॉलेजेस के सीट्स ज़्यादातर उम्मीद है कि जो स्ट्रे राउंड में आपको मिलेंगी ये सब खत्म होने के बाद। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दी कॉस्ट ये हो सकता है कि राजस्थान में अमेरिकन अजंता वगैरह की मैनेजमेंट सीटें भी स्ट्रे में आ जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ दी कॉस्ट फैक्टर। ओके, सो दैट्स अ स्मॉल मॉर्निंग वीडियो फॉर यू। लेट अस वेट फॉर दी हरियाणा रिजल्ट टूडे, और एक बार जब आ जाएगा फिर से देखिए, समय कम है, 10:30 और 5:30 के बीच में कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की, लेकिन नहीं तो आप देखिए स्ट्रे के भरोसे मत रहिएगा। अगर आप राउंड 3 में हरियाणा में खाली रह गए तो फिर यूपी में चॉइस फिलिंग करके TMU लेने की कोशिश ज़रूर कर लेना। ये मैं सोचना कि सरकार प्रेडिक्शन देख लें हरियाणा राउंड 4 क्या जाएगा, फिर हम डिसाइड करें कि यूपी चॉइस फिलिंग करें या ना करें। ओके, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। कोई छोटी मोटी बातचीत, हम हमेशा कहते हैं कि अभी भी बहुत सीटें, बहुत ऑप्शंस हैं। 4th राउंड स्टे का आएगा जिसमें पौंडेचेरी, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज़ में नेगोशिएशंस होंगी, या मे बी राजस्थान में राउंड 4 में होंगी, या ओवरऑल भी आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस जगह आपको सीट मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। अब हमने अपनी प्राइस फ्लैट 40,000 रुपीज़ कर दिया है, जितनी भी मर्जी आपके नंबर हो, और 40,000 रुपीज़ में हम आपको सीट दिलवाने की, अच्छी सीट दिलाने की कोशिश करेंगे। सीट तो मिल ही जाएगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पौंडेचेरी तमिलनाडु जाने को तैयार हैं बिना नेगोशिएशन के, तो खुद ही भर लो, सीट आपको मिल ही जाएगी। ओके, नंबर आप हम अब तक हमारा जान ही गए हैं, 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।